बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक बार अल्लाह को पढ़ ले। मैं वो फैक्ट्री का विजिट करवाता हूँ और एंड में मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं इतने ज़्यादा रेट बढ़ने के बावजूद। ये मुख्तलिफ किस्म की नूडल्स पड़ी हुई हैं और ये जो सेटअप है हमारा, जैसे मैंने आपको बताया, तकरीबन 12-15 साल पुराना सेटअप है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें वर्किंग चाहिए, वर्किंग वो दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आप मुख्तलिफ नूडल्स देख रहे हैं, ये पराचा की है, ये आप देख रहे हैं निमर की अल्ट्रा बेस है, ये आप देख रहे हैं ये अकबरी की है, ये बाहर आप देख रहे हैं ये निमर अल्ट्रा पड़ी हुई है, पीछे वही दोबारा पराचा की पड़ी हुई है। इस तरह मुख्तलिफ जो नूडल्स हैं हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह ये है कि हर नूडल जो है उसकी जो क्वालिटी है वो डिफरेंट होती है रेट्स के मुताबिक। कुछ हैं उनकी झाग ज़्यादा होती है, कुछ हैं जिनका कह लीजिए कि कलर वाइट होता है, कुछ हैं जो मॉइस्चराइज़र होती हैं, बट और कुछ है जिनकी लाइफ ज़्यादा होती है, परफ्यूम को ज़्यादा स्टेबल रखती है। उसी के मुताबिक हम कोशिश करते हैं कि 2-3-4 नूडल्स मिला के एक ब्लेंड बनाया जाए और फिर उसको जो है वो शिफ्ट किया जाए और फिर एक प्रोडक्ट बनाई जाए जो जिसमें हर किस्म की क्वालिटी हो, कि उसमें झाग भी अच्छी हो, वो मॉइस्चराइज भी करे, उसका कलर भी वाइट हो यानी ब्राइट हो, और मतलब वो वाइस वर्सा हर वो चीज़। इसको करने के लिए हम लोग इसको मिक्सचर में डालते हैं अपने सारे ब्लेंड को, परफ्यूम और बाकी चीज़ें जो हम इसमें ऐड कर देते हैं, और फिर आगे मिलिंग होने की वजह से हमें फ़ायदा ये है कि हम 3-4-5 किस्म की नूडल भी इस्तेमाल करते हैं तो हमें वो प्रॉब्लम नहीं होती, वो मैश कर देती है, आपस में मिक्स कर देती है, और जो सोप है वो बना बनाया एज जब आगे आता है तो वो फील नहीं होता कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई हार्ड पार्टिकल है या ये मुख्तलिफ नूडल से बना हुआ है। मैं अब आपको दिखाता हूँ मिक्सचर में, आवाज़ ज़्यादा होगी तो शायद मेरी आवाज़ भी आपको आए ना। ये भी एक ट्रिक है कि हम लोग जो है जो इस्तेमाल कर रहे हैं मिक्सचर को उसमें कलर नहीं डाल रहे, इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि उसे साफ करने के लिए तकरीबन कह लें कि हाफ दिन लग जाता है, तो क्योंकि हमने वो काम को की प्रोडक्शन लेनी होती है, तो फिर हम कोशिश ये करते हैं कि वहाँ पे सिर्फ उसको मिक्स कर दें बाकी चीज़ें डाल के, सिलिकेट और कलर हम आगे लगाते हैं मिलिंग के बाद, वो फिर अच्छी तरह जज्ब कर लेता है। उसके बाद फिर आगे एक राउंड लगता है यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले दिखाया हुआ है, और फिर आगे करके वो आगे जो है ये अब जीरो हो रहा है। इस तरह फिर मुख्तलिफ जो प्रोडक्शन है वो निकल दी जाती हैं।